हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी गर्ल चाइल्ड डे। बहुत ही अच्छी लाइंस के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ गर्ल चाइल्ड इज़ अ प्राइड एंड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। जैसा कि हिंदी में भी कहते हैं कि एक लड़की अगर एजुकेटेड होती है तो वो दो फैमिलीज को एजुकेट करती है। जिस फैमिली में जाएगी उसमें, जिस फैमिली से बिलोंग करती है उस फैमिली को भी वो एजुकेट करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग रेस्पेक्ट करना है बहुत ज़्यादा गर्ल्स और वेमेन का। एम्पावरिंग योर गर्ल चाइल्ड मीन्स एम्पावरिंग योर फ्यूचर। और अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप आने वाले हमारा जो समय है उसको एम्पावर कर रहे हैं। तो इन्हीं लाइन्स के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लूसेंट बुक जो है मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसके अंदर सेकेंड चैप्टर आर्टिकल, इसमें से मैंने इनडेफिनाइट आर्टिकल an के बारे में डिटेल में आपको बताया। उसके साथ साथ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज का जो सेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल an और द, तीनों का यूज़ किस जगह पर होता है, किस सिचुएशन में होता है, उस तरीके से हम सेंटेंसेस में देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1st of Feb से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट ग्रामर और वोकैब पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कीजिएगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आर्टिकल सबसे पहले हम देखें, जब भी यूज करें तो थोड़ा सा आपको समझना है। आर्टिकल जो है दो टाइप से, नाउन से पहले जो शब्द लगेगा उसे इंडिकेट करने के लिए, तो इसके अंदर दो टाइप आते हैं। फर्स्ट इज इनडेफिनाइट एंड सेकेंड वन इज डेफिनाइट। टू टाइप्स हैं बच्चों। और हमने इनडेफिनाइट जो आर्टिकल आता है इसके अंदर ए और एन, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 300 सेंटेंसेस या 300 जो है प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। और डेफिनाइट अगर आर्टिकल की बात करें तो इसमें हम द का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, आज मैं द के बारे में बता रही हूँ आपको। तो जब भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे तो नाउन शुड बी स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक होनी चाहिए नाउन। उसके साथ एक और बात, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है उसके आगे हम, अगर वो कॉमन है तो हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर स्पेसिफिक है तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। साथ में ये ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल है और वो स्पेसिफिक है, व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष किया जा रहा है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं उसके आगे। उसके साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, अगर नाउन हमारी कैसी हो, स्पेसिफिक हो, कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अब हम बात करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे फर्दर सेशन के अंदर, कुछ क्वेश्चंस पर अभी हम बात करें। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, ही हैज कम विदाउट। अब इसके अंदर आप देखिए, क्या इस नाउन अम्ब्रेला को स्पेसिफाई किया जा रहा है? नहीं। और कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है, सिंगुलर फॉर्म है, तो आर्टिकल जो है ए या एन का यूज होगा, तो अम्ब्रेला में यू के साउंड के हिसाब से हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगा, आपको पता है जितनी भी रिवर है, डैम है, डेजर्ट है, कैनाल है, बे है, खाड़ी है, उनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर गंगा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। साथ में ये कहा गया है कि गंगा जो है बहुत सारी नदियों में से एक कैसी नदी है? पवित्र नदी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पहले प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं, तो आर्टिकल यहाँ पर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच डिफीटेड, आप देखिएगा ये पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल जो है द का प्रयोग करेंगे, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। तो आर्टिकल क्या लगेगा बच्चों? द लगेगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये एक नेशनैलिटी को भी डिनोट करते हैं शब्द, नेशनैलिटी को डिनोट करने वाले शब्द से पहले अगर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वो आपको देखना है कि सेंटेंस में कॉमन नाउन में भी कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी द फ्रेंच एक कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, तो आर्टिकल दोनों के आगे द फ्रेंच, द जर्मन्स के आगे द का यूज करना है। अब बात करूँ अगला क्वेश्चन जो है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है,
जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिन शब्दों के आगे मतलब साथ में ईएसटी और जिन शब्दों के आगे अगर मोस्ट लगा होता है तो आर्टिकल जो है द का यूज़ होता है, तो यहाँ करेक्ट होगा विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आई होप क्लियर हो रहा होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप टेक्स्ट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पर, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, ये बेटा फ्रेज बनती है, सत्य के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होगा जब वर्ब के रूप में स्पीक दिया हुआ था, स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर ये फ्रेजल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आर्टिकल जो है किसका यूज होगा, द का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखोगे तो यंग क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है एंड दिस वन इज नाउन, तो हम क्या बोलेंगे, रुस्तम वॉज अ यंग पर्सन, तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए या के साउंड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी रिटर्न्ड आफ्टर, वो एक घंटे बाद लौटी, तो यहाँ पर आर से पहले आर्टिकल क्या लगेगा, एन आर। आई होप 7 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 8 नंबर, जिसमें लिखा है सन शाइन्स ब्राइटली, सन मून अर्थ इन सभी के आगे भी क्या लगता है, आर्टिकल द, तो फटाफट देखते ही आंसर लगा दीजिए, आर्टिकल द का यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज 9, अलाहाबाद इज, अब बेटा बहुत सारी सिटी हैं उनमें से एक कैसी सिटी है, और ये देखिएगा सिटी शब्द सिंगुलर भी है और कॉमन भी बात हो रही है, तो आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम, दैट इज संस्कृत इज, तो आप समझिए जिस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेम उसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी है, एक आसान सी भाषा है, मतलब बहुत सारी भाषाओं में से संस्कृत भी एक आसान सी भाषा है, कॉमन कंडीशन पे बात हो रही है और लैंग्वेज शब्द जो है उसके हिसाब से, मतलब उसके लिए और ई के साउंड के हिसाब से हम आर्टिकल ए और एन का यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट इसी सेंटेंस को ही आगे कंटिन्यू किया गया बेटा, संस्कृत इज एन ईजी लैंग्वेज बट इंग्लिश इज अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो दोनों भाषाओं की ऊपर बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर ड जो होगा उसके साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए का यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ यू सी हर, इस टाइप का जो एक क्वेश्चन होता है इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है बेटा। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम आर्टिकल जो है ए और एन का भी यूज़ हो सकता है, मतलब मैसेज के साउंड एम के साउंड के हिसाब से ए का भी यूज़ हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा सिचुएशन समझनी होगी। यहाँ पर कहा गया है इफ़ यू सी हर, यदि तुम उसे देखो या उससे मिलो, गिव हर, तो यहाँ पर ये जो मैसेज है ना इसको दिस के फॉर्म में आप समझिए, तो आर्टिकल द का यूज़ होगा। अब यहीं पर बोलता कुड यू, जैसे रिक्वेस्ट करता कुड यू गिव हर, क्या आप उसे एक संदेश दे देंगे, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल ए, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति को कह दिया गया है पहले से, यदि तुम उसे देखो तो उससे, मतलब आप ये खबर, ये वाली खबर पहुँचा देना, तो यहाँ पर दिस के सेंस में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ओके, और यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी लुक्स एज स्टूपिड एज, मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में हम आर्टिकल ए और एन का यूज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है और साथ में एज का जो कंडीशन है तो उसमें आप आर्टिकल नाउन के पहले लगा देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको देखते ही लगाना है सन के आगे क्या लगेगा, द सन राइजेस, और डायरेक्शन के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इन सभी डायरेक्शंस के साथ आपको आर्टिकल का जो यूज़ है बच्चों वो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यू आर, यानी कि ये किसी को कह रहा है तुम उसकी तरह हो, ऐसा कह के तुम ऐसा ऐसे लग रहे हो, तो क्या लगेगा आर्टिकल, यू आर अ फूल टू से दैट, तुम एक मूर्ख हो, यहाँ पर ये फूल जो है वो किसके रूप में है, नाउन के रूप, तो आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट का यूज है, तो आपको आर्टिकल ए और एन लगाना है, तो यहाँ लगेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। जैसे आप बोलते हैं व्हाट अ गुड आइडिया, व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट से शुरू हो रहे हैं, उनमें आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप समझेंगे, शी वॉज किल्ड। देखिए बेटा, आर्टिकल जो है एक्सीडेंट के पहले ए और एन का भी यूज होता है, यानी एक्सीडेंट में ए के साउंड के अकॉर्डिंग एन का भी यूज होता है, और यहाँ पर देखें तो कह रहा है उसकी उसकी मतलब उसको मारा गया था इस एक्सीडेंट। जैसे हम पास्ट की बात करते हैं, ज़्यादातर कोई हिस्ट्री के अगर हम जैसे कोई कांड होते हैं उनमें भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर शी वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट, वो किस में मारा गया, मतलब मारी गई थी, यानी कि उसको मारा गया उस एक्सीडेंट के अंदर, तो आर्टिकल यहाँ पर किसका यूज़ होगा, आर्टिकल द का यूज़ होगा। बाकी जो है सिचुएशन मैट विद एन एक्सीडेंट हम बोलते हैं, उसके अलावा अगर शी डाइड होता तो शी डाइड इन एन एक्सीडेंट बोलते, फिर हम आर्टिकल ए नहीं लगेगा, एन का यूज़ फिर हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, दैट इज पैन इज माइटर्ड देन। अब देखिएगा, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, दोनों में तुलना हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अ पैन इज माइटर्ड देन अ स्वॉर्ड। अदरवाइज देन अगर दो डिग्री कंपैरेटिव लगती है उसके साथ में आपको देन का यूज लगना मतलब करना होता है, तो जब दो विशेषण सिंगल हों तो फर्स्ट वाले के साथ लगता है, सेकंड के साथ नहीं, लेकिन अगर देन में दो नाउन के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों नाउन के साथ आप आर्टिकल ए का यूज़ कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम वापस से एग्जांपल्स में समझेंगे। ओके नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, गैप मी, किलो है एक मेजरमेंट की इकाई है, तो हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए। अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम, अब देखिएगा नियरेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लग रही है, तो आप आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है दे वेटेड फॉर हर, मतलब आप आर्टिकल जो है यहाँ पर द लगेगा, ए लगेगा, एन, तो समझिएगा सेंटेंस में उन्होंने इंतजार किया था, मतलब कितने टाइम के लिए, एक घंटे के लिए, तो हम आर के फर्स्ट लेटर के साउंड के हिसाब से एन का यूज़ करेंगे। अब मून है, सन है, मैं आपको बता चुकी हूँ अर्थ से पहले आर्टिकल क्या लगता है, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, तो किसका यूज़ होगा बच्चों, द का यूज़ होगा। ओके 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप ध्यान से समझे, ऑफ का भी यूज़ हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो द यूज़ होगा प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जब लग जाएगा तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉमन नाउन में, क्योंकि ये कहा गया है कश्मीर जो है उसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है, दैट मीन्स स्विट्जरलैंड को क्या बना दिया गया, कॉमन बना दिया गया इंडिया के अंदर, है ना, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिमालयाज यानी कि जो सीरीज होती है माउंटेन्स की, उनके साथ में भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो करेक्ट यूज़ होगा द हिमालयाज लाइज। अब डायरेक्शन की बात हो रही है, ऑफ भी लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, महाभारत यानी कि जितनी भी हमारी हॉली बुक्स होती हैं, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, इनके साथ हमेशा आपको देखना है आर्टिकल द का प्रयोग करना है, लेकिन महाभारत बुक जो है या रामायण जो है इसमें अगर हम किसका राइटर का नाम लिख दे, है ना, तो वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास जैसे, तो वेद व्यास जी का अगर हम नाम लिख दें, हाँ, तो आप जो है फिर महाभारत के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो रही है बात, अगर हम राइटर का नाम लिख दें, क्योंकि राइटर के नेम से वो पहले से स्पेसिफाई हो जाएगा, तो द महाभारत इज, अब बहुत सारी किताबों में से एक हॉली बुक है तो आर्टिकल ए लगा देंगे, अ हॉली बुक ऑफ के बाद में यहाँ पर द हिंदूज जो है वो कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, तो कम्युनिटी के साथ में भी आर्टिकल द जो है
का प्रयोग होता है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन, एवरेस्ट यानी कि जितनी भी पीक हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा, पीक पीक का नाम बोल रही हूँ, नेम होना चाहिए ना, नाम यानी कि नेम होना चाहिए पीक का। अगर चोटी जो है उनका नेम दिया हुआ है आपको, तो आप उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग द का मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एवरेस्ट लिखा हुआ है, तो इसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री है, तो अब यहाँ पर द लग जाएगा, क्योंकि मैंने नेम इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि यहाँ द लग रहा है, जबकि चोटी की बात हो रही है, लेकिन चोटी का नेम यानी पीक का नेम होगा तो नहीं लगेगा। सिंपल लिखा है, तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ आप कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, या द का यूज़, जैसे कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री थी तो हमने द का यूज़ किया, द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, द का यूज़ हो जाएगा। आई होप आज जो मैंने 25 आपको क्वेश्चंस बताए सेंटेंस के अंदर, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सेशन प्रीवियस नहीं देखे हैं, तो वो देखिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन अस। हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ फैब को स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं कंप्लीट ग्रामर एंड वोकैब का सेशन लेती हूँ, तो आप लोगों को पढ़ाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।